अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि आइंदा जो हमारे लेक्चर्स होंगे जिसमें हम एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो जगह जगह हम दो टर्म्स यूज करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन से हैं और डेवलपिंग कंट्रीज कौन से हैं। 1990 से पहले तक मुख्तलिफ पैरामीटर्स थे जिनकी बुनियाद पर मुल्कों को डिफरेंशिएट या क्लासिफाई किया जाता था, वेल्थ की बुनियाद पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुनियाद पर या टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर। 1990 में यूएन ने डिसाइड किया कि एक फॉर्मूला डिफाइन किया गया, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यूएन फाइनलाइज के 1990 के बाद इस फॉर्मूले की बुनियाद पर मुल्कों को असेस किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा मुल्क डेवलप्ड और कौन सा मुल्क डेवलप नहीं है। इसके साथ साथ इस वक्त दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं दुनिया में, इन्हें भी समझने की जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो जो कॉन्सेप्ट है ये वैल्यू एडेड है जो कि मुल्कों के बारे में हम समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो मुल्क जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बुनियाद पर इस लिस्ट को डिजाइन किया गया है। अगर आप देखें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, इसमें यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडिया, इटली, ब्राजील और कैनेडा शामिल है, टॉप 10 कंट्रीज। जबकि टॉप कंट्रीज, टॉप 10 अकॉर्डिंग टू एसटीआई वैल्यू डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। अगर आप इन दोनों लिस्टों को कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि नॉर्वे, हॉलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ये ममालिक जो है ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं है। क्या पैरामीटर है जिनके बुनियाद पर किसी मुल्क को डेवलप और डेवलपिंग कहा जाता है, आइए हम देखते हैं। पहले हम समझिए कि 1990 में क्या चीज डिजाइन की गई, उसकी बुनियाद पर क्या रिजल्ट निकले जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, होल यूरोप और उसके अलावा सिर्फ 6 मुल्क और हैं जो कि डेवलप्ड कहलाते हैं। ये 6 जो कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। द होल यूरोप अदर देन यूरोप द 6 कंट्रीज एंड रिमेनिंग द होल वर्ल्ड is considered developing world. All others are developing. SDI value को consider किसा किया जाता है, यहां हम देखते हैं SDI को assess करने के लिए 3 parameters हैं जो कि UN जिसको evaluate करते हैं, life expectancy, literacy rate and purchasing power. मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा डेवलप कंट्री की, ताकि आप कुछ अंदाजा लगा सकें कि बावजूद बहुत ज्यादा बड़ी इकोनॉमी ना होने के ये मुल्क क्यों डेवलप्ड हैं। एक बार फिर समझिए कि डेवलप, मैं एक और आसान तारीफ आपको बता दूं। डेवलप कंट्री का मतलब है एक ऐसा मुल्क जहां पर हर शख्स के पास तमाम बेसिक फैसिलिटीज आसानी से मुहैया हो रही है। एक ऐसा मुल्क जहां पर किसी भी अर्बन या रूरल एरिया में रहने वाले हर शख्स के पास अगर सारी बेसिक नेसेसिटीज हैं तो वो मुल्क डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो मुल्क डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा। नॉर्वे की मिसाल आपके सामने है। नॉर्वे में सबसे हाई पोस्ट और सबसे लो पोस्ट की जो सैलरीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक मिसाल है, एक सर्वेइंग फर्म है नॉर्वे में, करेंसी क्रोन कहलाती है। हाईएस्ट पोस्ट जो है वो है चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, जबकि
उसकी जो इनकम है, द स्लैब रन्स अ मिनिमम 37,000 टू 70,000, और जो लोएस्ट पोस्ट है वहां वो है रिसेप्शनिस्ट की, और इसका जो इनकम का जो स्लैब है मिनिमम 19,000 टू मैक्सिमम 37,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम जॉब करने वाला और एक हाईएस्ट पोस्ट वाला जो है उनकी सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इन कंट्रीज में एक डिवीजन जो है वो इतना कैलकुलेटेड है कि जो मिनिमम जॉब करने वाले हैं, जो कम आमदनी वाले, वो भी अपनी तमाम बेसिक्स आसानी हासिल कर सकते हैं। एक आखिरी बात जो मुझे आपसे करनी है कि ये जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, इनमें जैसे आपने देखा कि चाइना शामिल है, इंडिया है, ब्राजील है, ये सारे वो ममालिक हैं जो कि इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग हैं, टॉप कंट्रीज में है, बहुत स्पीड से जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, लेकिन स्टिल यहां पर इनकी टोटल जो पॉपुलेशन है उसके पास वो सारी फैसिलिटीज या सारी सहूलियात नहीं है जो कि रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री को डेवलप कंट्री कहलाए जाने के लिए। यकीनी तौर पर अब हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि कोई कंट्री अगर डेवलप्ड है तो वो क्यों डेवलप्ड है, और कोई कंट्री अगर डेवलप नहीं है तो वो क्यों डेवलप्ड है।